पर ये बात इलेक्ट्रॉन्स को कौन समझाए, क्योंकि उनका भी हाल कुछ मेरे जैसा ही है। क्योंकि अपन को भी चाहिए फुल इज्जत, वो है इलेक्ट्रॉन्स का छिछोड़ापन। छिछोड़ापन इलेक्ट्रॉन्स की इस छिछोड़ेपन को खटाने के लिए अपन को इधर जिम्मेदारी दी जाती है। छाती फोड़ रहे बाबू भैया, तुम ठीक हो? मार रहे साले के खोपड़ी तोड़ रहे, खोपड़ी तोड़ साले। चलो ये सब के बारे में तो जान लिया, अब थोड़ा अपने बारे में भी बताओ। अरे अपन के बारे में क्या बताना, अपन तो एक छोटी सी चीज है जो किसी सर्किल में एक किरदार निभाते हैं। हाँ, पर अगर वो छोटी सी किरदार कोई नहीं निभाएगा तो बाकी जो सारे सेंसिटिव कंपोनेंट्स है उनका तो धजिया ही उड़ जाएगा ना। हाँ वो तो है। फिर बताओ थोड़ा। अरे कल तक लोग सिर्फ तुम्हारे गलत साइड के बारे में ही जानते थे, आज थोड़ा अच्छे साइड के बारे में भी जान ले। ठीक है, आप इतना जोर दे रहे हैं तो अपन के बारे में सबको बता देते हैं। तो मेरे लोग, अपन का नाम है रजिस्टर, नाम तो सुना नहीं होगा। मैं एक पैसिव इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट हूँ। कौर फरमाइएगा, इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट हूँ, इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं। एक मिनट, पैसिव कंपोनेंट का जरा मतलब समझा दो। हाँ, क्यों नहीं। तो आमतौर पर मार्केट में जितने भी कंपोनेंट्स देखने को मिलता है वो दो किस्म के होते हैं, एक है एक्टिव कंपोनेंट और दूसरा है पैसिव कंपोनेंट। हकीकत में इन दोनों कंपोनेंट्स के अंदर 26 का आंकड़ा है। और इसका वजह क्या है? वैसे तो वजह बहुत सारे हैं, लेकिन इसमें से जो प्रमुख कारण है वो रहे हमारे मुंह पर, अरे सॉरी माफ कीजिए, हमारे स्क्रीन पर। तो इन दोनों में से जो एक्टिव कंपोनेंट है वो अपने अंदर ऊर्जा उत्पन्न कर सकते हैं, या कह सकते हैं पावर जनरेट। हाँ, भाई एकदम सही पकड़े हो। और जो पैसिव कंपोनेंट है वो उस एनर्जी को अपने अंदर स्टोर कर सकता है। एक्टिव कंपोनेंट में जो कंपोनेंट्स देखने को मिलता है वो है डायोड, ट्रांजिस्टर, मॉसफेट, आईसी एक्सेट्रा। और पैसिव कंपोनेंट में देखने को मिलते हैं अपुन जैसे लोग, जैसे कि कैपेसिटर, इंडक्टर। मतलब एक तरफ है हार्ड वर्किंग और पैशनेट बंदा और दूसरी तरफ है काम चोर और लेजी बंदा। मैं क्या करूं फिर, जॉब छोड़ दूं? यहाँ पर एक और चीज के बारे में सबको बताना चाहता हूँ कि तुम लोगों के दुनिया में जैसे इकोनॉमिक क्राइटेरिया को मद्देनजर रखते हुए सोसाइटी के लोगों को पुअर, मिडिल क्लास, रिच, इन तीन कैटेगरी में रिमेजर किया गया है, ठीक वैसे ही अपुन के दुनिया में भी एनर्जी स्टोर करने की क्राइटेरिया को मद्देनजर रखते हुए हम लोगों को भी अलग अलग कैटेगरी में मेजर किया गया है। जैसे कि अपन किसी भी सर्किट में इलेक्ट्रॉन्स की बहाव को रोक सकते हैं, इसीलिए अपन को रेजिस्टेंस का नाम दिया गया है। ठीक ऐसे ही बाकी सब कंपोनेंट्स को भी कुछ और नाम दिया गया है। इसीलिए तुम लोग किसी को ये बोलते नहीं सुनोगे कि ए उस सर्किट में कितना रेजिस्टर है रे, बल्कि ये बोलते सुनोगे कि ए उस सर्किट में कितना रेजिस्टेंस है रे। समझ रहे हो ना? हाँ, पगली बिल्कुल समझ गई। अच्छा एक बात बताओ, मैंने सुना है कि तुम्हारे बहुत सारे भाई बहन हैं। हाँ, सही सुना, तो थोड़ा उनके बारे में भी बताओ। अरे नहीं यार। अरे क्या होगा, बताओ ना। अरे नहीं ना। क्यों गिरो? बताता हूँ। तो जैसे कि यहाँ पर देख सकते हो दो किस्म के रजिस्टर देखने को मिलता है, एक है लीनियर रजिस्टर और दूसरा है नॉन लीनियर रजिस्टर। इसमें से जो लीनियर रजिस्टर है वो है ऐसे में बड़ा सख्त लौट नोट। इसका मतलब है कि जब इसके अंदर से करंट फ्लो करता है तब इसके रेजिस्टेंस चेंज नहीं होता है, वो फिक्स रहता है। जहाँ पर नॉन लीनियर रजिस्टर का मामला कुछ इस तरह है। लेकिन यहाँ मैं पिघल गया। आई थिंक इससे ज्यादा कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, तुम लोग समझ ही गए होंगे। इस तरह के रजिस्टर के गलियों में हम लोगों को देखने को मिलता है थर्मिस्टर, एलडीआर, भैरिस्टर जैसे बंदे। और दूसरी गली में अगर नजर डालोगे तो हमें देखने को मिलता है दो और किस्म के रजिस्टर्स, पहला है फिक्स रजिस्टर और दूसरा है वेरिएबल रजिस्टर। अपन को लगता है कि इन दोनों का नाम सुन के तुम लोगों को पता चल ही गया होगा कि इन दोनों का किरदार कैसा है। लेकिन एक बात बताओ, वेरिएबल रजिस्टर और नॉन लीनियर रजिस्टर में डिफरेंस क्या है? क्योंकि वेरिएबल रजिस्टर भी तो अपने रेजिस्टेंस को चेंज कर सकता है। हाँ रेजिस्टेंस चेंज तो कर सकता है, लेकिन इसमें फर्क है कि रेजिस्टेंस को हम मैनुअली चेंज कर सकते हैं, लेकिन जो नॉन लीनियर रजिस्टर है वो ऑटोमेटिकली अपने रेजिस्टेंस को चेंज कर सकता है। ओ अच्छा। इस तरह के रजिस्टर के गलियों में जो रजिस्टर देखने को मिलता है वो है पोटेंशियोमीटर, रियोस्टेट, टिमर रजिस्टर एक्सेट्रा। और अगर इस गली को छोड़ के दूसरी तरफ नजर घुमाते हो
तो जो गली दिखती है ना वो है अपन की पंटल लोगों की एरिया, या बोल सकते हो जकीर भाई की एरिया। ऐसा क्यों? क्योंकि अपन लोग जकीर भाई की फेमस कोट से बड़ा सख्त लड़ना खुद को बहुत रिलेट कर पाते हैं, क्योंकि अपन लोग की नेचर ही कुछ ऐसा है। अच्छा, ऐसी बात है, तो भाई उनसे भी थोड़ा हमें मिलाओ। है बिल्कुल, क्यों नहीं। तो सबसे पहले आता है कार्बन कंपोजिशन रजिस्टर, इसके बाद दूसरे नंबर पे आता है वायर वुंड रजिस्टर, तीसरे नंबर पे आता है थिक फिल्म रजिस्टर्स, जिसके अंदर दिखने को मिलता है फ्यूजेबल सीमेंट फिल्म मेटल ऑक्साइड टाइप के कुछ रजिस्टर, और आखिर में आता है थिन फिल्म रजिस्टर्स, जहां पर अपुन और अपुन के भाई मेटल फिल्म रजिस्टर को देख पाते हो। वैसे तुम्हारा खानदान बहुत बड़ा है, नहीं अकेला एक आदमी को समझने में तो पूरा एक दिन लग जाएगा। अरे पहली बार मेरा भी हालत कुछ ऐसा हो गया था, इसीलिए तुम्हारा भी हालत कुछ ऐसा ना हो। इस वीडियो का ज्ञान यहाँ तक ही सीमित रखते हैं, लेकिन वो ऐसा क्या कारण है जिस वजह से रजिस्टर को हर एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में इस्तेमाल करना ही पड़ता है। अगर लेफ्ट वाली वीडियो को देखोगे ना तो सब कुछ समझ आ जाएगा, नहीं तो ऐसे ही कुछ वीडियोस राइट वाली प्लेलिस्ट को क्लिक करके देख सकते हो।